प्लीज। वो होता है ना जब आपने अपना जो बिल्कुल ऐसा होता है ना वो यार। हे गाइज, आज मैं आप सबके बीच बहुत दुख के साथ आया हूँ, क्योंकि क्रेजी एक्स वाई जेड अमित भाई जो हैं उनको कोबरा सांप ने काट लिया है और उनका स्थिति काफ़ी गड़बड़ है। उनकी टीमों के माध्यम से ये मुझे पता चला है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये क्लिप दिखाता हूँ। गाइस, सोचा नहीं था ऐसी वीडियो बनानी पड़ेगी। क्या बोले यार, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। यार हमने किसी का क्या बिगाड़ा था यार, ना हमने किसी का कुछ किया। और अमित भाई आपको पता है यार, उन्होंने आज तक किसी छोटे से छोटे जीव को भी कभी परेशान नहीं किया ना। हमेशा मतलब एक अपना काम, लोगों की हेल्प करना, क्या बताऊं। गाइस जस्ट आपको जाके भी कुछ नहीं कर, गाइस जस्ट आपको इन्फॉर्म करना है भाई, जितनी भी आप दुआ कर सकते हो भगवान से उतनी दुआ करो यार। अमित भाई को अभी कुछ टाइम पहले हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, उनको स्नैक बाइट हुआ है और भाई खून देख के मतलब हमारी हालत तो बिल्कुल खराब हो चुकी है यार। इतने सांप बचाए यार हमने, इतने रेस्क्यू किए और पता नहीं था कि कभी हमारे साथ ऐसा होगा। अभी वो हॉस्पिटल में है, बाकी लोग उनके साथ हैं और हम लोग जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं भाई, आप जितनी दुआ कर सकते हो, उतनी दुआ करो कि वो जल्द से ठीक हो जाए, जल्द से यार वापस से आए। ऐसी वीडियो बनाने का हमने कभी सोचा नहीं था, मतलब क्या बताऊं यार, हमसे बोला नहीं जा रहा, क्या बात करें आपसे। बस आप तो यार जितना हो सके उतनी दुआ करो वो जल्द अपने साथ आए ठीक होके। और भाई हम तो कर ही रहे हैं प्रेयर, आप भी करो यार जितना हो सके भाई। समझ नहीं आ रहा यार अपना क्या हो गया यार। मोहित सब ठीक हो जाएगा भाई, गाइस पूरा भरोसा है, वैसे तो सब ठीक होगा यार, क्योंकि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया यार, कभी किसी का बुरा नहीं किया। यार हमें खा जाता, इससे अच्छा किसी और को काट लेता यार, बहुत ज्यादा भाई। आप कुछ बोलने की हालत में नहीं हूं मैं तो। अच्छी बात यह है कि एंटी वेनम मिल गया तो मोहित ठीक हो जाएगा यार, टेंशन मत ले यार, सब ठीक हो जाएगा। गाइस बस आप जितनी आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी देवता को मानते हो, जिसकी भी आप पूजा करते हो, जिसमें भी आपकी आराधना है, आप उससे एक प्रेयर करो यार कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वापस से चैनल पे आए। वही हम, वही एनर्जी, वही चीज देखना चाहते यार। आज उनको इस हालत में देख के ना मैं कसम से यार अंदर से टूट गए बिल्कुल।